भज मन राधे 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 गोविंद राधे 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 भज मन राधे राधे भजन आज इंडिया में ही नहीं देश विदेश में बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मात्र 2 महीने में ही 72 मिलियन से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं और इंडियन म्यूजिक में लगातार ये भजन ट्रेंड कर रहा है। लेकिन इसके साथ ही साथ एक खबर ये भी बहुत तेजी से वायरल हो रही है कि ये भजन पूरी तरीके से कॉपी है। जीतू शर्मा और अभिलाषा पंडा ने ये भजन कॉपी करके गाया है। तो क्या है हर हर शंभू के पीछे का असली सच? क्या सच में ये भजन पूरी तरीके से कॉपी करके गाया गया है? तो रुक जाइए, आज आपके सारे सवालों के जवाब देने वाली हूँ, वो भी बिल्कुल सच, क्योंकि ये वीडियो मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च करके बनाई हुई है। लेकिन उसके लिए एक शर्त है, ये वीडियो आपको शुरू से एंड तक देखनी पड़ेगी, तभी आपको पूरा मामला समझ में आएगा। तो चलिए, अगर आप है महादेव के भक्त तो इस वीडियो कर दीजिएगा लाइक और नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा हर हर शंभू। जी हाँ, हर हर शंभू भजन भजवन राधे का पूरी तरीके से कॉपी है, जिसको गाया है अच्युत्या गोपी जी ने और लिरिक्स और कंपोजिशन भी उन्होंने किया है। विश्वास नहीं हो रहा है तो लीजिए ये सुनिए। राधे 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 गोविंद राधे। लेकिन अब सवाल उठता है कि अच्युत्या गोपी जी कौन है? तो अच्युत्या गोपी जी अमेरिका के न्यूयॉर्क से बिलोंग करती है और ये एक विदेशी कृष्ण भक्त है। ये बहुत ही प्यारा कृष्ण भजन गाती हैं और ये इतना प्यारा कृष्ण भजन गाती हैं कि इनको सुनने के लिए लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ पड़ती है। और उन्होंने इस भजन का कंपोजिशन आज से 3 साल पहले ही कर दिया था, जब वो सभा में कृष्ण भजन गा रही थी। ये सुनिए। अच्युत्या गोपी जी ने कृष्ण भजन के लिए बहुत ढेर सारे अवार्ड अपने नाम किए हुए हैं और ये ग्रैमी नॉमिनेटेड भी हैं। इन्होंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी भी गोविंद गर्ल के नाम से बनाई हुई है, जहां पर 127 के फॉलोअर्स हैं। ये बताती हैं कि जब से मैंने कृष्ण भक्ति का मार्ग पकड़ा हुआ है, तब से मेरा जीवन पूरी तरीके से सफल हो गया है। अब बात ये उठती है कि इन्होंने अच्युत गोपी जी का कंपोजिशन चुरा कर हर शंभू गाकर पूरा क्रेडिट अपने नाम कैसे ले लिया है। तो मैं आपको बता दूं कि जीतू शर्मा पे इस टाइम जितने भी एलिगेशन लग रहे हैं वो पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि जीतू शर्मा ये खुद एक्सेप्ट करते हैं कि ये कॉम्पोजिशन मेरा नहीं है, अच्युत्या गोपी जी का है और उन्होंने परमिशन भी ली थी गाना बनाने से पहले और रिलीज करने के बाद भी। अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो ये क्लिप देखिए। आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा वीडियो जब रिलीज भी हुआ था तब भी हमारी अच्युत्या गोपी जी से बात हुई थी और उन्होंने कहा था कि इस वीडियो से गीत से मुझे कोई समस्या नहीं है और बल्कि मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे धुन पर शिव जी का भी एक गाना बना है। और जो वो एक कृष्ण डेवोटी है और वो कृष्ण को शिव को सदा ही समान मानती हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब अच्युत्या गोपी जी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो उन्होंने जीतू शर्मा को कॉपीराइट स्ट्राइक क्यों दी हर हर शंभू भजन के लिए और ये भजन क्यों डिलीट करवाया? तो मैं आपको बता दूं, ये एक फेक कॉपीराइट स्ट्राइक थी जिसके वजह से यूट्यूब से ये भजन डिलीट हो गया था और इतनी ढेर सारी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई। और जब जीतू शर्मा ने इस फेक कॉपीराइट स्ट्राइक के अगेंस्ट एक्शन लिया तो ये फेक कॉपीराइट स्ट्राइक हट गई और यूट्यूब पर ये भजन वापस आ गया। मैं आशा करती हूँ कि आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। लेकिन आखिर में मैं एक बात कहना चाहूँगी कि भक्तों का काम सिर्फ भक्ति फैलाना होता है, चाहे वो शिव के रूप में हो और चाहे वो कृष्ण के रूप में हो। और मुझे पर्सनली ये दोनों भजन बहुत ही ज़्यादा पसंद आए हुए हैं। मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ अभिलाषा पंडा, जीतू शर्मा और अच्युत्या गोपी जी का, जो इतने प्यारा कंपोजिशन और भजन दिया है। आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताना। और वीडियो यहां तक देख लिया है और अभी तक हमारे चैनल को किया नहीं सब्सक्राइब तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि हम लोग ऐसे ही रियल और अमेजिंग वीडियो लाते रहते हैं। ऐसी रियल और अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को लीजिएगा सब्सक्राइब। हमारे वीडियोस पहुंचे सबसे पहले आपके पास, उसके लिए बेल आइकॉन पे और पे क्लिक कर दीजिएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे गोविंद राधे राधे राधे।